Good afternoon, everyone. This is Ashnu from Goinkin Prime TV. I am here for the latest news headlines. Here are some international news. A first time new Sikh court has been launched by British Sikh rulers in London. Cases like domestic violence, gambling, and drug abuse will be dealt with in the court. Now some national news. The world's largest democratic festival started on 19 April. Today is the second phase of this festival. In the second phase, voters from 13 states will be decide the fate of candidates on 88 seats. From sports world, the 41st match of IPL 2024 was played between Royal Challengers Bangalore and Sunrise Hyderabad. In this match, RCB stopped the Vijayarath of Hyderabad with a win by 35 runs. Now some local happenings. The number of students is decreasing in the government schools of the district. 17,000 students decreased from government school in 1 year. Let's know our weather. Today, weather in Sirsa is partly cloudy with the maximum temperature of 40 degrees Celsius and minimum temperature of 24 degrees Celsius. Now some Goinkin news. Goinkins had a fun-filled week with activities like Deer Day, excursion to local church, learning about poetry and testing their spelling skills. Thank you. Over to Hindi news. नमस्कार, मैं भूवी गोइंकन प्राइम टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लंदन में ब्रिटिश सिख वकीलों द्वारा पहली बार नई सिख अदालत की शुरुआत की गई। कोर्ट में घरेलू हिंसा, जुआ और नशा सेवन जैसे मामलों को देखा जाएगा। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल से हो गई थी। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। अब बारी खेल जगत की। आईपीएल 2024 का 41वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने 33 रनों। अब बारी खेल जगत की। आईपीएल 2024 का 34वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। आओ जाने सानी हलचल। जिले के राजकीय स्कूलों में कम हो रही है विद्यार्थियों की संख्या। एक साल में राजकीय स्कूलों में लगभग 17,000 विद्यार्थियों घटे। मौसम का हाल इस प्रकार है। आज सिरसा में आंशिक बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा। गोइंकन समाचार। गोइंकन्स ने डियर डे, स्थानीय चर्च की यात्रा, कविता बनाना सीखना और अपने शब्द निर्माण कौशल का परीक्षण जैसी गतिविधियों के साथ एक मजेदार सप्ताह बिताया। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में। सत श्री अकाल, मैं सुखराज सिंह गोइंकन प्राइम टीवी तो अज दे खास बुलेटिन नाल तुहाडा स्वागत करदा हां। पेशन कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरां। लंडन विच ब्रिटिश सिख वकीलों वल्लों पहली बार नवी सिख अदालत की शुरुआत की गई है। घरेलू हिंसा, जुआ अते नशीले पदार्थों की दुवरतों वर्गे मामलों नूं अदालत विच निपटाया जाएगा। हुण कुछ राष्ट्रीय खबरां। दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्री त्यौहार 19 अप्रैल नूं शुरू होया सी। अज इस त्यौहार का दूजा पड़ा है। दूजे पड़ा च 13 सूबियां दे वोटर 88 सीटां ते उम्मीदवारां दी किस्मत दा फैसला होवेगा। हुण वारी खेड जगत दी। आईपीएल 2024 दा 41वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अते सनराइज हैदराबाद विचाले खेडिया गया। इस मैच विच आरसीबी ने हैदराबाद दे विजयराथ नूं 35 दौड़ां नाल हरा के रोकिया। आओ जाणिए स्थानक हलचल। जिले दे सरकारी स्कूलां विच विद्यार्थियों की गिनती घट रही है। एक साल विच सरकारी स्कूलों विच लगभग 17,000 विद्यार्थियां कटे हैं। मौसम की खबर। गोइंकन न्यूज़। गोइंकन ने डियर डे स्थानक चर्च की यात्रा, कविता बनाने सीखना और शब्दों की सही बनावट के हुनर की जांच वर्गिया गतिविधियों नाल एक मजेदार हफ्ता बतीत किया। धन्यवाद। हुण खबरों का प्रसारण संस्कृत विच। नमस्कार, अहम पूर्वी अस्सी संस्कृत समाचार है। अंतरराष्ट्रीय वार्ता। लंडन नगरे ब्रिटिश सिख वकील प्रथमवारं नूतनं सिख्यान न्यायालयं प्रारब्धं घरेलू हिंसा देयत् मादकद्रव्यस्य दुरुपयोगः इत्यादयः प्रकरणायः न्यायालये निबद्धाः भविष्यन्ति। राष्ट्रियवार्ताः। विश्वस्य बृहत्तमः लोकतांत्रिक महोत्सवः 19 अप्रैल दिनाङ्कः आरब्धः। अद्य अस्य उत्सवस्य द्वितीयः चरणः अस्ति। द्वितीयचरणस्य 13 राज्यानां मतदातारः 88 आसनेषु अभ्यर्थिनः भाग्यस्य निर्णयं करिष्यन्ति।
क्रीडा जगद्वारः अस्ति आईपीएल 2024 इत्यस्य एकचत्वारिंशतमं मैचं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा सनराइजर्स हैदराबाद इत्योः मध्ये अभवत्। अस्मिन् मेलने आरसीबी 43 रनेन विजयेन हैदराबादस्य विजयरथं साधितवान्। स्थानीयं कार्यं पश्यामः, मण्डलस्य सरकारी विद्यालयेषु छात्राणां संख्या न्यूनीभवति। एकवर्षे सर्वकारीय विद्यालयात् प्रायः 17,000 छात्राः न्यूनीकृताः। मौसमः एवम् अस्ति, अद्य सिरसानगरस्य मौसमः आंशिकरूपेण मेघयुक्तम् अस्ति, यत्र अधिकतमं तापमानं 44 डिग्री सेल्सियस्, न्यूनतमं तापमानं च 23 डिग्री सेल्सियस् भवति। विद्यालयस्य वार्ताः। गोयन्कन् जनानाम् एकः मजापूर्णः सप्ताहः आसीत्, यत्र प्रियदिवसः स्थानीयचर्चरस्य भ्रमणं, काव्यस्य विषये ज्ञातुं, तेषां वर्तनीकौशलस्य परीक्षं च इत्यादिभिः क्रियाकलापैः सह। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में। Guten Tag, ich heiße Kamakshi aus Gönken Nachrichtenraum, heute Nachrichten ist internationale Nachrichten. Ein erstes neues Sicherheit wird von Britischen Sikh-Anwalten in London erfunden. Falle wie Häusterei Gewalt, Glücksspiel und Drogenmissbrauch werden von Gericht verhandelt. National Nachrichten. Das weltweit große Democracy Day Festival begann am 19. April. Heute ist die zweite Phase dieses Festivals. In der zweiten Phase entschieden Wahler aus Reisenbundesstaaten über das Schicksal der Kandidaten auf 88 Sitzen. Sportnachrichten. Das 41-Spiel in der IPL 2024 wurde zweiten Royal Challengers Bangalore und Sunrisers Hyderabad ausgetragen. In diesem Match stoppte RCB Gujarat aus Hyderabad mit einem Sieg mit 35 Runs. Lokale Nachrichten. Der Saal in der Schule an den staatlichen Schulen des Bezirks Gate Zurich 17,000 Schüler gegen in einem Jahr von der staatlichen Schulen Zurich. Das Wetter in Sirsa ist heute bewölkt mit einer Höchsttemperatur von 40 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 23 Grad Celsius. Gönken Nachrichten. Gönkens hatte eine Woche voller Spiel mit Aktivitäten wie Liebertag, einem Ausflug zur orientalischen Kirche, dem Eltern von Posi und dem Testen ihrer Rechtschreibfähigkeiten. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.